हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से ईश्वर दोस्तों, आई होप गाइस आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपके नैनीताल वाला भाई भी एकदम मस्त है। तो गाइस, नई दिन की नई शुरुआत करते हैं, तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और गाइस, दरअसल आज का सीन ये है, हमारे पास में नदी में एक वाटरफॉल है बड़ा, जिसका नाम है भालूगढ़ वाटरफॉल। तो मैं और भाई वहाँ पर जा रहे हैं वाटरफॉल देखने के लिए, घूमने के लिए, तो आपको भी लेकर के चलते हैं। तो चलिए पूरे वाटरफॉल की जर्नी दिखाते हैं आपको कि कैसा है वहाँ पे, कैसा दिखता है व्यू वहाँ का। तो चलिए, तो गैज फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के इस मार्ग पे। तो यहाँ पर से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है वाटरफॉल की। तो चलिए पूरे रास्ते में दिखाते हैं आपको किस प्रकार का रास्ता बन चुका है और कैसा कैसा हो गया है वाटरफॉल में। तो गैज अभी यहाँ से हमारी जर्नी होती है स्टार्ट वाटरफॉल की। फिलहाल भाई और मैं निकल गए हैं। अभी देखिए, इस बार तो काफ़ी काम हो चुका है यहाँ पे, पुल हुल वगैरह सब बन चुकी हैं। पूरा रास्ता दिखाते हैं आपको चलते चलते। तो गाइज आप देख रहे हैं, मतलब हर जगह पे एक साल दो डेढ़ साल पहले तो मतलब कितना डिफरेंट था यहाँ पे, लेकिन अब चेंज हो चुका है। अभी जगह जगह पे मतलब स्टे बन चुके हैं, जहाँ पे आप मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच वगैरह कर सकते हैं। बाकी पूरे वाटरफॉल का सफर हम दिखाते हैं आपको आगे को। और बाकी भाई आगे से चलते हुए रास्ते में, हेलो गाइज करी, हेलो गाइज। और बाकी गाइज आप इधर की लोकेशन चेक कर सकते हैं, देखिए कितनी मस्त। और ये सामने देखिए कितना भयंकर पहाड़ है यहाँ पे, ये की नाम है एक लेंथर का व्यू बोलते हैं इसको। बाकी लोकेशन चेक कर सकते हैं आप, कितनी खतरनाक कितनी मस्त वाली है। और यहाँ पे लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है।
कि हमको फाइनली वाला ब्रिज मिल गया है यहाँ पे। गाइस फाइनली 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 हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल। मार्केट देखिए ये है पीछे, यहाँ से पानी निकलता है, ऊपर से झड़ता है, गिरता है पानी, और यह है पूरा वाटर ही वाटर। इतना बड़ा भयंकर मतलब वाटरफॉल है यहाँ पे। कितने लोग मतलब घूमने के लिए देखने के लिए आते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है ये वाटरफॉल। गाइस आप अपने सामने देख सकते हैं वाटरफॉल, वो तो कितना बढ़िया वाटरफॉल है। इसकी हाइट देखिए आप, कितनी ऊंचाई से इसका पानी गिरता है। और बाकी यहाँ पे लोग मतलब इतने ज़्यादा मतलब तादाद में लोग आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कितनी ज़्यादा मतलब भीड़ लगी हुई है लोगों की। काफ़ी दूर दूर से बाहर से लोग यहाँ घूमने के लिए देखने के लिए आते हैं इस वाटरफॉल को, देखिए आप। तो गाइस इस वाटरफॉल की लगभग 24 से 25 फीट हाइट होगी जहाँ से गिरता है पानी है। और बाकी सामने वहाँ से आए हुए थे हम सामने से, और वही इसकी गहराई भी होगी ऐसी 20-22 फीट लगभग गहराई होगी, और 24-25 फीट लगभग इसकी हाइट। फोटो खींचन से यहाँ से, यहाँ फोटो खींच ले, फोटो खींचन से यहाँ। बाकी गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पूरी रस्सी लगाई हुई है, तो ये सेफ्टी के लिए लगा रखी है, यहाँ से लोग आगे को नहीं जाएंगे करके, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। जाते जाते आप देख सकते हैं मैं कितनी ऊंचाई पे आ गया हूँ, वाटरफॉल है नीचे गधेरे में। बाकी पीछे की लोकेशन आप चेक कर सकते हैं कि कितना बढ़िया है यहाँ पे, मस्त बिल्कुल। देखिए सामने पूरे पहाड़ी पहाड़ है, वो कितनी बड़ी चट्टान है सामने, और थोड़ा सा नीचे जाकर के दिखाता हूँ। और इधर वाटरफॉल सामने, वहाँ पर से गिरता है पानी नीचे, सामने इतनी भयंकर चट्टान, सीन भी मतलब व्यू भी इतना बढ़िया आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो पे। आपको आना होगा, आप ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल घूमने के लिए। वहीं नीचे वहाँ से आए थे हम उस वाले रास्ते से, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको वहाँ पे गुलाबी कलर में घर। तो अभी आप हम लोग निकलते हैं सीधे घर की तरफ। तो गाइस चलते चलते अभी हम सिलपोड़ी के रास्ते में पहुँच गए हैं, बाकी अभी बस थोड़ा सा और रहा है घर, तो फाइनली घर पहुँच जाएंगे। रास्ते में से थोड़ा सा हमने सेब तोड़ लिए थे, मिला हमको सेब का पेड़ एक, तो भाई ने सेब तोड़ लिया था, दिखाता था हाहा तो अब जाके के भाई तो हारा है नाशपाती। वापस हम उसी रास्ते में पहुंच गए जहां से आए थे, अभी सीधे शिशि मार्ग से चलेंगे ऊपर को धारधारी। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शिशि मार्ग में, तो यहां पर से अब हम लोग जाएंगे ऊपर को, और ये वाला रास्ता कटता है सीधे बुरासी का जो हमारा स्कूल है प्राइमरी स्कूल। बाकी इस वाले रास्ते से हम जाएंगे ऊपर को, ये शिशि मार्ग यहीं से आए थे हम, चलिए। बाकी गाइस आप देख सकते हैं सामने नीचे जो है वो पोखराड़ का गांव है, जहाँ से परसों में आया था घर को आते वक्त, और वो पोखराड़ का ग्राउंड है। और जो भी सैलानी लोग या फिर टूरिस्ट लोग घूमने के लिए वाटरफॉल आते हैं, तो इस वाले रास्ते से यहाँ से धारी से होते हुए उसी मतलब जो सामने रोड दिखाई दे रही है उस रोड से आते हैं यहाँ से सीधे शिलंग, तो शिलंग से सीधे वाटरफॉल नीचे गाड़ गधेरे पे जाते हैं।
और बाकी सामने कोलहा गांव हो गया, ऊपर धानाचुली हो गया, ये हमारे जस्ट बगल वाले गांव हैं। तो ये तो पूरा पोखराज का गांव हो गया, सामने ग्राउंड है, वहाँ पे मैच भी होते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग घर बस पहुँच ही गए हैं। तो ये जो धार दिखाई दे रही है आपको, बस इस धार के सामने मतलब हमारा घर है, बस दो कदम और चलने सीधे सामने घर दिखता है। तो फाइनली हम लोग वाटरफॉल से वापस हो चुके हैं और घर में पहुंच गए बढ़िया करके। तुम गजना था अरे पिछले बना रखे तू, अरे यो यार तुम घरेला हाँ तुम घरा रख लगे तो गए। बच्चे भी मतलब ऐसे खेल लगे पड़े यहाँ पे, एक दूसरे को मतलब रस्सी से उठा करके बोल ले पिट्ठू लगा करके ले जा रहे करके सुमना सुमन भी आगे नाच के गए। फाइनली वाटरफॉल की जर्नी करके, वाटरफॉल देख के हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। बाकी भाई पीछे बैठा हुआ है और मैं। तो गाइज आपको ये वाटरफॉल की जर्नी अच्छी लगी होगी, वाटरफॉल कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और फिलहाल मैं इस वीडियो के यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।